दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सब भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खिल प्लस आड़ी बराबर खिलाड़ी, मिल प्लस आवट बराबर मिलावट, पढ़ प्लस आकू बराबर पढ़ाकू, झूल प्लस आ बराबर झूला। हिंदी में तीन प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। नंबर एक संस्कृत प्रत्यय, नंबर दो हिंदी प्रत्यय, नंबर तीन विदेशी प्रत्यय। इन तीनों प्रकार के प्रत्ययों को हम एक एक करके जानते हैं। संस्कृत प्रत्यय, जैसे इत हर्षित गर्वित लज्जित पल्लवित। इक मानसिक धार्मिक मार्मिक पारिश्रमिक। इय भारतीय मानवीय राष्ट्रीय स्थानीय। अय आग्नेय पाथे राधे कौन्ते। तम अधिकतम महानतम वरिष्ठतम श्रेष्ठतम। वान धनवान बलवान गुणवान दयावान। मान श्रीमान शोभायमान शक्तिमान बुद्धिमान। तव गुरुत्व लघुत्व बंधुत्व नेतृत्व शाली वैभवशाली गौरवशाली प्रभावशाली शक्तिशाली। तर श्रेष्ठतर उच्चतर निम्नतर लघुतर। नंबर दो हिंदी प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब सबसे पहले कृत प्रत्यय जानते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। अब हम बात करते हैं संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्ययों की, जैसे ने बेलन बंधन नंदन चंदन। ई बोली सोची सुनी हंसी। आ झूला भूला खेला मेला। अन मोहन रटन पठन आहट चिकनाहट घबराहट चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, जैसे आड़ी से खिलाड़ी अगाड़ी अनाड़ी पिछाड़ी। एरा से लुटेरा बसेरा। आऊ से बिकाऊ टिकाऊ दिखाऊ। ऊ से डाकू चाकू चालू खाऊ। कृत प्रत्यय के भेद यानी कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। कृतवाचक कर्मवाचक करणवाचक भाववाचक क्रियावाचक। कृतवाचक कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार पालनहार चाखनहार राखनहार। वाला रखवाला लिखने वाला पढ़ने वाला। के रक्षक भक्षक पोषक शोषक। अक लेखक गायक पाठक नायक। ता दाता माता गाता नाता। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना से खिलौना बिछोना। नी से ओढ़नी मथनी छलनी। ना से पढ़ना लिखना गाना। करणवाचक कृत प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन से पालन सोहन झालन। नी से चटनी कतरनी सूंघनी। ऊ से झाड़ू चालू। ई से खांसी धांसी फांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप मिलाप विलाप। आवट
सजावट, मिलावट, लिखावट। आव, बनाव, खिंचाव, तनाव। आई, लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे या से आया, बोया, खाया, पाया। कर से गाकर, देखकर, सुनकर। आ से सूखा, भूला। ता से खाता, पीता, लिखता। दूसरा नंबर है तद्धित प्रत्यय। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता मानवता, जादू प्लस गर जादूगर, बाल प्लस पन बालपन, लिख प्लस आई लिखाई। तद्धित प्रत्यय के भेद कौन कौन से हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर एक, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर सुनार, लुहार, कुम्हार। ई माली, तेली, वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, कड़वाहट। ता से सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। आपा से मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। ई से गर्मी, सर्दी, गरीबी। तीसरा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू से कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। ईला से रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर से कठिनतर, समांतर, उच्चतर। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान से गुणवान, धनवान, बलवान। ये से भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय। आ से सूखा, रूखा, भूखा। ई से क्रोधी, भोगी, जोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला, शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। या उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ई रूसी, चीनी, राजस्थानी आदि। उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया लुटिया। ई प्याली, नाली, बाली। डी चमड़ी, पकड़ी। ओला खटोला, सपोला, मंझोला। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्री लिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यथा आइन पंडिताइन, ठकुराइन। इन मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी मोरनी, शेरनी, नंदनी, आनी, सेठानी, देवरानी, जेठानी। उर्दू के प्रत्यय, उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे गी ताजगी, बानगी, सादगी। गर कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची नकलची, तोपची, अफीमची। दार हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज, मंद,
जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद, आबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमा वाइदा, बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा, ईश, साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश, गिर, आलमगीर, जहांगीर, राहगीर, आना, नजराना, दोस्ताना, सालाना, इयत, इंसानियत, खैरियत, आदमियत, इन, शौकीन, रंगीन, नमकीन, कार, सलाहकार, लेखाकार, जानकार, दान, खानदान, पीकदान, कूड़ादान, बंद, कमरबंद, नज़रबंद आदि। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। संभवतः प्रत्यय आपकी समझ में आ गए होंगे और अब प्रत्यय संबंधित आप त्रुटि नहीं करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और यदि किसी विशेष टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप कोरोना काल में, लॉकडाउन में घर पर रहें, सुरक्षित रहें, देश को भी सुरक्षित रखें। टेक केयर, बाय बाय।